like it's very beautiful, it's very romantic, and it's very, you know, exotic. Red color hi aisa hota hai, pyar ka prateek hota hai, symbol of love. लेकिन प्यार सिर्फ एक लड़का और एक लड़की का या जो रिश्ते हम देखते हैं सिर्फ उसका प्यार नहीं होता है. प्यार एक सोच का भी होता है. जिस सोच से आप प्यार करते हो, जिस आइडिया से आप प्यार करते हो और उसको एक अंजाम देना चाहते हो. तो नंदीश ने ये फिल्म किया है और इसका जो सोच है ये आइडियाज़ के ऊपर है कि कोई एक छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सोच किसी के पास भी आ सकता है और वो सोच एक आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है. बस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस सोच को आपको विश्वास करना चाहिए. तो आई थिंक गर्ल इन रेड इज़ ऑल अबाउट दिस. इनफैक्ट मैं कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. इट्स बीन डायरेक्टेड बाय सम इंटरनेशनल डायरेक्टर. आज ही सर साइन किया मैंने और आज ही मैं यहाँ पे आया हूँ. सो या आई एम डूइंग समथिंग इन सब कपल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स विद सम इंटरनेशनल बैनर. आई एम डूइंग समथिंग. राहुल, इसके अलावा जो है आपकी इस प्रोडक्शन के बारे में जैसे काफ़ी सारी बातें बाहर आ चुकी है, फोन रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जब फोन रिकॉर्ड सामने आया तो पता तो चल गया कि मैं कहीं कल्प्रिट नहीं हूँ. फोन रिकॉर्ड में साफ साफ बताया जा रहा है कि आई एम आस्किंग हर टू बी काम, आई एम आस्किंग हर दैट आई एम कमिंग. देखिए, वो फोन रिकॉर्ड्स बाकी सब चीज़ साइड में, लोग जो भी सोचे मेरे बारे में, मैं जितना और जिस पल को जीता हूँ उसके बिना वो सिर्फ मुझे मालूम है. और ना ही मैं किसी को बताना चाहता हूँ और ना ही बताना चाहता हूँ. ये बहुत एक अपना वाला चीज़ है और ये अपने में रहे तो अच्छा है. एक बात है, उसके नाम को कभी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होने दूँगा, इस बात का वादा है सबसे. कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि प्रोमो की जो आपके जो मैसेजेस थे, नहीं, आप लोगों को वो सब आधा अधूरा चीज़ मालूम है. कभी आइए, हम आपको चार्जशीट दिखाते हैं. मुझे आप लोगों के सामने मीडिया में आके कोई फालतू बात करना ही नहीं था, ना एक मनगढ़ंत कहानी बनाना था. आज सब जगह से मैं निकल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ. पब्लिक क्या सोचता है, उसे क्या दिखाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट होता है वो सामने जब आता है तब सच्चाई का मालूम पड़ता है. अरे वो नाराज रहने दो, हम उनसे नाराज हैं. हमने कभी बोला? आपने कभी पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है? क्या किसी के पास इतना टाइम है जिसकी बच्ची मर गई जाके मीडिया में बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? किसी को हकीकत मालूम है? वो नाराज है तो मैं क्या करूँ? वो पहले बार में जाके क्यों नहीं बोलेगी राहुल ने ऐसा किया है? अरे बाद में सब मालूम पड़ता है. हटाइए, कानून तो सबके लिए है, मेरे लिए, मिनिस्टर के लिए या एक किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए. कौन बचा है? बड़े से बड़े लोग अंदर गए. अगर मैंने एक सेकंड गलत किया होता, आप लोगों ने इतना हाइप किया था इस मैटर को. नहीं किया था, उन्होंने जो बोला, आपको लगता नहीं कहीं इतना सा भी मेरा गलती होता? कौन दोस्त उसके जन्मदिन में नहीं आए भाई? जी वो दोस्त जी, मैं भी जन्मदिन पे, ये जन्मदिन पे आपसे और मैंने इंटरेक्ट किया था. जो दोस्त उसके जन्मदिन में नहीं आए उसका बात मान लें. हॉस्पिटल में जो दोस्त मौजूद, हॉस्पिटल में तो आप ही आओगे क्योंकि आपको मालूम है. आपको बोल ऐसा कमी है ना, उसे कोई नहीं भर सकता. वो कमी रह गया, वो शक्ल मुझे दोबारा नहीं दिखेगा, वो हंसी मुझे दोबारा नहीं दिखेगा. मैं मानता हूँ ना, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है ना, जब पहली बार किसी को जो चीज़ बोलना चाहते हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी सबसे ख़ास इंसान होता है. मेरी ज़िंदगी में पहला इंसान नहीं आएगा, शायद ज़िंदगी चलेगी, चलना है तो चलेगी, उसे कोई नहीं रोकेगा.
दिन भी आएगा, रात भी आएगा, चांद भी उठेगा, सूरज भी उठेगा, लेकिन वो बीती हुई वो जो पल है ना वो वापस नहीं आएगा। और मैं उसमें जी रहा हूँ, मान लिया हूँ नहीं है पर है, इतनी कमी है। तो मेरा सपोर्ट करेगी कौन दोस्त यार, कौन दोस्त, कौन दोस्त? उसको कॉन्ट्रोवर्सी पढ़ा था आपने कामयाब पंजाबी का, करण पटेल प्रत्युषा बैनर्जी कामयाब पंजाबी, वो दोस्त? अरे जाने दीजिए ये सब बातें, आने दीजिए, थोड़ा सा हो गया अभी, बहुत दिन हो गया, सच को सामने आने दीजिए और फैक्ट को सामने आने दीजिए, है ना। खैर ये गर्ल इन रेड रॉक्स बहुत आगे होता रहे और आगे बढ़ता रहे और तरक्की होते रहे, इंडस्ट्री बढ़ते रहे यार, इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो, गेट गोइंग।